नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के अधीन आते गांव सादिक में एक ट्रक ने स्कूली छात्र को रौंदा, छात्र की मौके पर ही हुई मौत। जालंधर की पुरानी रेलवे रोड पर स्थित एक साइकिल स्टोर में लगी भीषण आग, लाखों रुपयों का सामान जलकर हुआ राख। मोगा में मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान ने आप उम्मीदवार करमजीत अनमोल के हक में निकाला रोड शो, लोगों से करमजीत अनमोल को वोट डालने की अपील। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के अधीन नाते गांव सादिक के अमन एनक्लेव में एक सरकारी स्कूल के विद्यार्थी की ट्रक की चपेट में आ जाने से मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक एक्टिवा सवार स्कूली विद्यार्थी को ट्रक ड्राइवर ने कुचल दिया, जिस कारण विद्यार्थी की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी, तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे मृतक के पारिवारिक सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं लोगों का कहना है कि वे स्कूली विद्यार्थी की मौत संबंधी इंसाफ के लिए संघर्ष करेंगी। लोगों का कहना था कि इस जगह पर पहले भी कई बार सड़क हादसे हो चुके हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद सरकारी कर्मचारी ने ट्रक ड्राइवर को चाबियां देकर मौके से भगा दिया, लेकिन लोगों ने पीछा कर ड्राइवर को काबू कर लिया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मौके पर पुलिस जांच अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद ट्रक चालक के खिलाफ बनती कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर के अंदर चाबी भाई, ड्राइवर बढ़ा गया है, ड्राइवर भाई चाबी हो गया, चाबी तो चाबी चाबी दे रहे हैं क्या? नहीं ये सही देखने चाबी है, नहीं किथे देती है चाबी, चाबी कोई चाबी ट्रैक्टरी चाबी लेके बजाया, एक्टिवा की चाबी नहीं देंदे, ट्रैक्टरी चाबी किथे देती पूछो उन्हें जाके। ते भाई मौके ते ट्रक वाला दौड़ गया सीगा भाई, ट्रक वाला दौड़ गया दौड़ गया जी बड़े थे भाई, भाई वाली गड्डी से अच्छा भाई अंदर गए हमने फड़या वो भाई गड्डी लेके मगर गए हैं। अच्छा मैं साइकिल ते सीगा, वो भाई गड्डी में मगर गए हैं। चार चार पांच साल से भाई ऐस रोड ते स्कूल दे बच्चे बहुत जांदे आ जी, दो बजे छुट्टी हुंदी आ के 1 बजे हुंदी आ, ऐस रोड दे उत्ते बच्चे दा टाइम बहुत ज्यादा आ जी, ठीक है। इस टाइम ते बड़ी गड्डी बहुत ज्यादा लगदी आ, असीं कहने आ कि भाई बड़ी गड्डी दिने बंद कराओ जी, क्योंकि बच्चा दा आना जाना आवाजाई बहुत ज्यादा आ। मेरा नाम तेजिंदर कुमार हैगा, मैं बस्ती से रहन वाला हैगा जी। एक्चुअली गल इदा जी, मेरा भरा चलता है रोटी देन चलता है चाचा जी ने अपने इधर घर वाल, तो जकदम पता नहीं की होया एक्सीडेंट होया, ट्रक वाले ने गड्डी चढ़ाती डायरेक्ट और उत्ते। अच्छा, तो मौके पर मैं सीगा नहीं, तो माता कहती पे सी हाले तक मुंडा आया कि उन्हें जाके चेक करके आ, फोन भी नहीं चकता पाया है। तो जो फोन फान किया दो सीगा, तीजी बारी फोन किया तो भाई ने फोन चक्या ही, तो उन्होंने दसाया कि तुम वो भरा बोलते, मैं हाँ जी भरा बोलते हुए, तो उन्होंने कहते फटाफट आयो चुंगी के कोल, साढ़े भरा का एक्सीडेंट होया है, ये ता जाके भाई आके देखा ते मौके डेड बॉडी थी। ना की सी भाजी बच्चे दा टॉनिक नाम आ भाई। अच्छा, किथे दे रहण वाले सी? बस्ती से गिलंदा। ते स्कूले केड़े पढ़दा सी ए? भाई सनातन धर्म देवी साई पढ़दा सी अपना। देवी साई, हां जी ठीक। मतलब की पैदल जा रहे सी के? नहीं सर, एक्टिवा ते जा रहे सी। एक्टिवा ते जा रहे सी। ताल दा केड़ा चल गया ओदी मां नूं पुछ के देखो, ओदी मां नूं पुछ के देखो कि 16 साल दा मुंडा चला गया है, ऐसा कोई राजनीति ना करे, ये सब गरीब परिवार के नाल खड़ा होवे सारे जने, जेडे खड़े है तो हाथ खड़े कर दो, तमाचा देख ले घर चल दो, घर चल दो, तू अच्छा देख ला ले गया जो तुम पता लगना उन्होंने आना आप राजनीति नहीं कर ली इतने आप बंदे परिवार के खड़े इंसाफ दवावे कोर्ट तक भी जावे इंसाफ दवावे मैं ना इन्हें जानता जो भी पावे जो कानून अपनी बुनियादा काम करेगी आप कानून के नाल नाल जो कतल का मामला बंदा कतल करेगी एक्सीडेंट का मामला एक्सीडेंट करेगी नाका भी नहीं लगता वाहन करके
ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੀ ਤੇ ਲੋਡ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂਚ जालंधर की पुरानी रेलवे रोड पर स्थित एक साइकिल स्टोर में प्रातः भीषण आग लगी तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है लेकिन कार में पड़ा लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो गया है तो वहीं आग लगने का कारण भी पता नहीं चल पाया है। सवेरे 6:15 बजे फोन आंदा कि तुम्हारी दुकान से आग लगी हुई है तो उसने कर कैमरे ऑन किए तो फायर ब्रिगेड खड़ी सी तकरीबन 5:30 आग लगी मेरे हिसाब से जब आए तो 9-10-12-13 फायर ब्रिगेड लग चुकी है कोई शख्स है जो फायर ब्रिगेड ने लेके आए थे पहले बंदे से दमोरिया पुजा के फायर ब्रिगेड ने लेके आए गए तो एक ने जो कोऑर्डिनेट हो सारी आपस हो जाते हैं मेरे आने पहले फायर ब्रिगेड खड़ी थे 3-4 खड़ी थे जी ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਜੀ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲੀ ਜਾਊਗਾ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਲੇ ਤਾਂ ਛੱਤ ਗਿਰੀ ਹੈਗੀ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਪਿਆ। मोगा में आम आदमी पार्टी की ओर से एक रोड शो निकाला गया जो कि प्रताप रोड से निकाला गया तो वहीं ये रोड शो मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान और मोगा क्षेत्र के विधायक की ओर से निकाला गया। इस रोड शो में आपके वर्कर बहुत बड़ी संख्या में शामिल हुए। गौरतलब रहे कि ये रोड शो फरीदकोट से चुनाव में आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार करमजीत अनमोल के पक्ष में निकाला गया। मोगा से हलचल के लिए निशी मनचंदा की रिपोर्ट। ਮੋਗੇ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰਮੀ ਚ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹਟਾਏ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੰਗ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਣ ਅੰਗੂਠੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰ ਤਰਸਦੇ ਕੰਘੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਵਗਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਦੰਦ ਕਰੇੜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕੰਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਰੇ ਸੋ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੋ ਫਿਰ साहिब क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कुलवीर चीरा की ओर से अपनी चुनाव मुहिम को आगे बढ़ाते हुए तपती गर्मी के बावजूद भी जीरा शहर में डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया गया। इस मौके पर शहर के दुकानदारों द्वारा कुलवीर जीरा को अपना भरपूर समर्थन दिया गया तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुलवीर जीरा ने कहा कि जीरा शहर के निवासियों द्वारा वर्ष 2017 के चुनावों के दौरान उन्हें जीरा क्षेत्र से 20,000 की लीड देकर जितवाया था और अब ये लोग उन्हें जीरा क्षेत्र से 50,000 की लीड से जिताएंगी। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। जिमें 2017 दे विच जिहड़ी आ मेरी लीड आई सी कि 22,000 वोट दी आई थी लगता है कि 50,000 वोट ते जिताउणगे जिहड़ा वधिया 17 तों वधिया। चंडियाला गुरु के ठठियारा बाजार में एक सनी नामक नौजवान जिसका परिवार कई पीढ़ियों से बर्तन बनाने का काम करते आ रहा है इस नौजवान के पास पुरातन समय के बर्तन मशीनी हुक्का पाइप टिफिन बॉक्स चपाती बॉक्स आदि के अलावा अपनी विरासत को संरक्षित करने का एक अनूठा कौशल है जिसमें अंग्रेजों के समय के बर्तन पीतल के बर्तनों का एक शोरूम है जहां हमारे पूर्वजों के समय के पीतल तांबे और कांसे के बर्तन रखे हुए हैं। वही शोरूम के मालिक का कहना है कि उन्हें पुराने बर्तन इकट्ठा करने का शौक है और उनकी अपनी फैक्ट्री है जहां उन्हें पॉलिश कर नया लुक दिया जाता है। वही उन्होंने कहा कि अब बड़ी संख्या में लोग इन पुराने बर्तनों को खरीदने के लिए उनके पास आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए बर्तनों के साथ साथ लोगों में पुराने बर्तन खरीदने का चलन भी शुरू हो गया है। वे उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी रसोई में ज्यादातर स्टील और सिल्वर के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इन बर्तनों के इस्तेमाल से कैंसर जैसी भयानक बीमारी होने का डर बना रहता है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। सर विरासत सर मेरा शौक है विरासत सामने
मैं बहुत पसंद ही इदी करते करते मैं इतने डिस्प्ले ले आया तो इदा ही बाजारों लोग आते बहरों आते फॉरन तो भी आते कई बार तो वेखते कहते कि सानू भी लैके दो तो बहुत मेहनत लगती है सर इन्हों कलैक्ट करने ली ते सर इदा कई कस्टमर इदा का भी आते सू पे नहीं करते पूरी तरह की बोलते हैं कि पित्तल जो कड़िया इदा नहीं हों फील हों कि नहीं इदा कुछ नहीं है पित्तल तो नहीं निकलता सर इदा ही गल है तो फिर आप पित्तल चो कड़ लो ये बहुत महंगा है मतलब कि तरीके लग के लिया आने पेंदे है तो किसी ने इदा हार्ट नहीं करना चाहिए जो इस तरह बोलते किस तरह महसूस सर फील हों आप तो फिर कस्टमर कह दीदा सॉरी सर आप कितों होर तुम ट्राई कर सकते जी बट फील जरूर हों बहुत हार्ट हों चपाती बॉक्स हो गए पुराने जमाने दे लोकी पिल विच रोटियां रखते होंगे इदा ही डोलू आ दुध लियाण लई सर इदा बहुत चीजा है लड्डू वाले हो गए होर सर टिफिन बॉक्स हो गए खांसे दे कॉल आ जिहड़े छन्ने चलते है बाकी अपने को फॉरन दी चीजा भी है रसियां दी इंग्लैंड दी बहुत पुरानी पुरानी जिहड़ियां किसी नूं भी वीर भरा नूं किसी नूं चाहीदी होंदी इस करके सानू पित्तल तांबा ते कांसा ही वरतना चाहिए बचे रहेंगे पहले बुजुर्ग वेखे तुसीं किन्ने जवान हटे कटे ही इहदे करके ही आ मटीरियल वधिया यूज करदे ही ते मेरे हिसाब नाल इन्ना ज्यादा कॉस्टली भी नहीं हुंदा एज कंपेयर करिए आपां स्टील दे नाल वह भी 500-700 रुपए किलो तो यह भी ये नियर अबाउट आ ही जाता तो आप जो पुराना करके सेल भी करते हैं तो हम ज्यादा ही पैसे बटे जाते जबकि स्टील के 0% होंगे हम कोशिश है इस टाइम हाँ जी बहुत कोशिश की मैसेज देना चाहूँ मैसेज यही सर आपू सिल्वर स्टील बंद कर देना चाहिए तो पित्तल तांबा तो कांसा यूज करना चाहिए बीमारियों तो बचे रहेंगे पूर्व पार्षद बालकिशन बाली के नेतृत्व में जालंधर के किशनपुरा में आम आदमी पार्टी की एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। महिलाओं की इस रैली में दिनेश ढल की पत्नी मोनिका ढल व माता संतोष ढल विशेष रूप से शामिल हुई। इस मौके पर पूर्व पार्षद बालकिशन बाली ने कहा कि आप प्रत्याशी पवन कुमार टीनू की जीत किशनपुरा इलाके का भविष्य तय करेगी। उन्होंने कहा कि आज तक कई नेता आए और भाषण तथा वायदे कर जनता को गुमराह करते रहे लेकिन आम आदमी पार्टी ने सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में महज 2 वर्ष के कार्यकाल में वह कर दिखाया है जो 70 वर्षों में बीती सरकारें नहीं कर पाई। इस मौके पर मोनिका ढल व माता संतोष ढल को किशनपुरा की संतोषी माता मंदिर कमेटी गुरुद्वारा पृथ्वी नगर कमेटी त्रिशूल मंदिर कमेटी शिव मंदिर वाल्मीकि मंदिर मोहल्ला कमेटी ने सम्मानित किया और पवन कुमार टीनू की जीत की कामना की। इस मौके पर रमनदीप कौर बाली गगन बाली अमित ढल पुनीत वडेरा पूनम गंगा देवी विशाल गिल सतपाल रोकी सुमन नीतू रेखा संतोष आनंद रानी दशमेश बिल्ला सतेंद्र शैली श्यामलाल अंकुर सोनू दुग्गल तरसेम लाल संजय विकी पदम गोल्डी हनी शर्मा अमित शर्मा बंटी सहित बड़ी संख्या में इलाके की महिलाएं व लोग शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। दिनेश ढल जी दे धर्मपत्नी मोनिका ढल जी दे अगुवाई दे विच किशनपुरे विच डोर टू डोर दी अगुवाई जिहड़ी असीं कर रहे हैं और पवन टीनू दे हक दे विच जिहड़े साडे इत्थे दे जालंधर दे आप पार्टी दे उम्मीदवार आ दिनेश ढल दे मैसेज अज आए आ मोनिका ढल जी उन्होंने अगुवाई दे विच किशनपुरा सारा डोर टू डोर मगी चलना आ और मगी सानू जो लोगों का रिस्पोंस आ तकरीबन सारे का सारा इलाका ही अज आ गया इन्हों की अगुवाई में तो मैं जिते इन्हों का धन्यवाद करता उसे इलाका वासियों को अपील करता हाँ कि अज जो इलेक्शन आ ये पार्टियां उपर उठ के इलेक्शन हैगा आप जिनी वोट इतों वो तो वह पैनी है अमृत ढल दे ना उच्चा होना है आप नाँ देखते हुए उन्होंने कमों देखते हुए आप तो वही वोट आ किशनपुरे में आप पवे जेदे नाल उन्हां नूं पता लगे कि लोगों का काम भी करते हैं। धन्यवाद। कुटिया बाबा सिद्ध जी बेरी वाले दरबार न्यू बलदेव नगर जालंधर में ज्येष्ठ मास का ज्येष्ठ रविवार बड़ी ही धूमधाम एवं श्रद्धाभाव से बाबा बालकनाथ जी की चौकी लगाकर मनाया गया जिसमें बाबा अवतार सिंह व मुख्य सेवादार बीरा भगत द्वारा ज्योति प्रज्वलित कर बाबा बालकनाथ जी की चौकी का शुभारंभ किया गया।
दोवें चौकी में धार्मिक गायक सुखपिंदर हैप्पी एंड पार्टी द्वारा बाबा जी की महिमा का गुणगान कर संगत को निहाल किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान हरवीर सिंह, विशाल नागर, मोनू शर्मा, जसदीप सिंह, जशनदीप सिंह, मानव शर्मा, कपिल शर्मा, शेर सिंह, मनप्रीत सिंह, संजीव कपूर और मोहित वर्मा ने उपस्थित होकर बाबा जी का आशीर्वाद दिया। तो वहीं बीरा भगत ने आई हुई सारी संगत की मनोकामनाएं पूर्ण होने की बाबा जी से अरदास की। अंत में बाबा जी का लंगर भंडारा भी लगाया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मोर सवारी करने वाले सब दी चोल करने वाले, मोर सवारी करने वाले सब दी चोल करने वाले, मोर सवारी करने वाले सब दी चोल करने वाले, मोर सवारी करने वाले सब दी चोल करने वाले। आसी तेरे तो तके आए रखनो सानू दस कदों तारना, बाबा तार दिता तुम्हें सारे जगनों सानू दस कदों तारना, बाबा तार दिता तुम्हें सारे जगनों सानू दस कदों तारना, जो भी तार दिता तुम्हें सारे जगनों सानू दस कदों तारना, जो भी तार दिता तूने सारे जगनों सानू दस कदों तारना, मोस्त मारी करने वाले सब दी चोल करने वाले, मोस्त मारी करने वाले सब दी चोल करने वाले, खाली थोड़ी भर दे तो मेरे भी नसीब जी, खाली थोड़ी भर दे तो मेरे भी नसीब जी, आतवाले आवे तुने अर्द करीब जी, खाली थोड़ी भर दे तो मेरे भी नसीब जी, खाली थोड़ी भर दे तो I'm gonna make it right.
बाबा सिद्ध जी बेरी वाले दरबार न्यू बलदेव नगर जालंधर में एक कार्यक्रम के दौरान धार्मिक गायक सुखविंदर हैप्पी की आए नए भजन मोर सवारी करन वालिया का विमोचन किया गया। इस मौके पर बाबा अवतार सिंह मुख्य सेवादार बीरा भगत धार्मिक गायक सुखविंदर हैप्पी बेरी वाले दरबार से मणि कपूरथला शिंदरपाल सिंह साहिल कश्यप लाडा अनमोल शर्मा पवन कुमार हरवीर सिंह विशाल नागर मोनू शर्मा जसदीप सिंह जशनदीप सिंह मानव शर्मा कपिल शर्मा शेर सिंह मनप्रीत सिंह संजीव कपूर और मोहित वर्मा उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सारे भक्तों जय बाबा जी दी आज बहुत ही बाबा जी ने मेहरा की थी अपने बच्चियां एक बार फिर तो मेरे पुत्र सुखविंदर हैप्पी दा आज चौथा भजन रिलीज हो गया है जो यूट्यूब पे साढ़े चैनल बाबा सिद्ध भजन मंडली चैनल पे यूट्यूब पे चल रहा है। तो सारे भक्तों ने यूट्यूब पर जाके बाबा सिद्ध चैनल पर इस भजन देखना है सुनना है और वो तो वह शेयर करना है सबसक्राइब करना है। बाबा जी की कृपा इसी तरह ही अपने बच्चों से बनी रहे तो बहुत ही सोहना भजन है। बाबा जी के चरणों में अरजोई है सारे भगतों ने भजन जरूर सुनना है मोर सवारी करन वालिया। वाह।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਭਜਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੜੇ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਮੋਰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਸੁੰਦਰ ਕੁਮਾਰੇ ਵਾਸੀ ਦਾ ਮੋਰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਮੋਰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਮੋਰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਮੋਰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਕੇ ਆਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਤਾਰਨਾ, ਬਾਬਾ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਤਾਰਨਾ, ਬਾਬਾ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਤਾਰਨਾ, ਜੋਗੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਤਾਰਨਾ। ਜੇਕਰਾਈ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਮੇਂ ਸਪਤਾਹਿਕ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਭਜਨ ਗਾਇਕ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਵੰਦਨਾ ਕੋ ਗਾ ਕਰ ਇਸ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਭਜਨ ਗਾਇਕੋਂ ਨੇ ਮਾਂ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਭੇਟੋਂ ਕਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਉਪਸਥਿਤ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਝੂਮਨੇ ਪਰ ਵਿਵਸ਼ ਕਰ ਦੀਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਕੋਸ਼ਾਧਿਅਕਸ਼ ਪਵਿੰਦਰ ਬਹਿਲ, ਅਵਤਾਰ ਕਬੀਰ, ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੋਤੀ, ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਕਾਲੀਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਾਸਟਰ ਹਰੀਚੰਦ, ਸ਼ਿਵ ਸਹਿਗਲ, ਕਪਿਲ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਭਜਨ ਗਾਇਕ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਆ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। मंदिर के पावन प्रांगण में स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें गायक ब्रज मोहन शर्मा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की। इस मौके पर मंदिर कमेटी के सदस्य योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, नरेंद्र सहजपाल, चंदन मोहन ढींगरा ने गायक ब्रज मोहन शर्मा को माँ की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अशोक शीतल, संजीव साहनी, सोहन लाल, किरण कुमार, राजेंद्र मदान, यशपाल, गोवर्धन गोंधी, नरेंद्र शर्मा सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। ਕਰਨਾ
ईरानी जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजी हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु अंतिम अरदास श्री देवी तालाब मंदिर स्थित श्री राम हाल में की गई। इस मौके पर पंडित शिव शंकर तिवारी ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय सुदेश रानी की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, दिनेश ढल, डॉक्टर सतीश शर्मा, दीपक शारदा, कुलदीप शारदा, पंडित रवि प्रकाश कालिया, सुखविंदर कालिया, शैलेंद्र कालिया, राजीव कालिया, संदीप कालिया, सोहन लाल कालिया, डॉक्टर बीडी शर्मा, राजेश ज्योति, सुनील नैयर, जोगिंद्र पाल शर्मा, नरेश शारदा, अजय लाली, मनु छापड़ा, भूषण कोहली, पुनीत चड्डा, राकेश महाजन, कुलदीप भुल्लर, महेश गर्ग, हैप्पी शर्मा, रेणु शर्मा, मोहिंदर प्रभाकर, घनश्याम अरोड़ा, बंटी अरोड़ा, महेश मखीजा, राहुल भारी, धर्मेंद्र प्रभाकर, निर्मल सिंह, पीयूष जैन, एसपी अग्निहोत्री, रविंद्र मेहरा, मोनू छाबड़ा, अशोक कुमार, राजकुमार शर्मा, अमित शोरी, सुरेंद्र गुप्ता, सिकंदर गुप्ता, विजय शर्मा, गौरव शर्मा, हरीश शर्मा, नवल किशोर एवं पारिवारिक सदस्यों में बेटा विकास शर्मा, विक्की, सीमा शर्मा, सुमन शर्मा, ऋषि शर्मा, किरण शर्मा, लकी कपिला, मधु कपिला सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय सुदेश रानी को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। उन ताकत, उन शक्ति परमात्मा ने इन्नी की दित्ती हुई है, कहंदी कि मेरे बच्चे पुत्र का पुत्र हो सकता है, मापिक मापिक कभी नहीं, मां अच्छे का लोन दे, पिता का हक शीतल ही पुत्र के 10 गुण है, मां का हक 100 गुण है, मां ने एक एक दूध एक कतरे का भी बेटा 7 जन्मों के बीच कर देना है, वो चुका नहीं सकता, क्योंकि मां मां लोग गल याद आ गई, मां ने भगवान राम जी बैठे हैं, मां को शल्या ने आके एक शब्द दिया, बेटा राम अगर तेरा हुक्म होवे मैं धर्म स्थान पे चली जावा, राम की सिंहासन को के शब्द दिखते कहंदे आज वो वक्त आ गया है कि मां पुत्र दे कुछ पूछ के गए, कहते उन पता ही तू मेरा पुत्र राम है या कि भगवान का, क्या कि भगवान वाले के कौन मेरे लिखे हैं, जरमन दास कहती है राम मेघनाथ होम करने का वध किया इस कुत्ते की हो सकते हैं, गलत, इस राम को जन्म किने दिता है, क्या कि जन्म तो मैं दिता है, बस सारे रिश्ते छोटे, मां का रिश्ता सब तो उच्चा दस्या गया है, इस वास्ते शास्त्रां दा प्रमाण है कि मां भी एक एक दूध कतरे का त्रिन जेड़ा है बेटा सत जन्मां दे विच उतार नहीं सकता, सोखे देख के दुखड़े सहंदिए सारी उम्र दुखां विच रहंदिए, सोने का जागीदा प्यार है धोखा, सजनों मां दा प्यारे अनोखा, शास्त्र का एक प्रमाण, मां दे दिल विच चार पुत्रां दा, मां वेखन रा पुत्रां दा, 12 बज गए आ, एक बार ये है मेरा बेटा आया नहीं, पता नहीं कुछ खाता भी है नहीं खाता, अधी रात को सरकार ने साडे वास्ते कमान वास्ते गया है, किस वक्त मेरा लाल आएगा, बेटा किस वक्त आंदा है सीधा कमरे में, बैल साहब मां पूछ रही है सवेरे, बेटा तू पता नहीं, सारे साथी आज अपना माता जी श्रद्धा सुमन अर्पित करने वास्ते बैठे हुए हैं, शोक सभा भी एक ज्ञान सभा का रूप ले लेती है जो परमात्मा के नाल जुड़न दियां, कि किन्निया ही
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟਾ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ, ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਦਾਤ ਕਦੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ। ਬੜੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਘੱਟ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਇੰਨੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਛਾਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। दर्शन लाल शर्मा, जिनका गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया है, उनका अंतिम संस्कार जालंधर के हरनाम दासपुरा स्थित शमशान घाट में किया गया। इस दौरान स्वर्गीय दर्शन लाल शर्मा को मुखाग्नि उनके बेटे विकास शर्मा राजू ने दी। इस मौके पर भी विधायक रमन अरोड़ा, आम आदमी पार्टी के जालंधर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार पवन कुमार टीनू, अकाली दल के उम्मीदवार मोहिंदर सिंह केपी, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व विधायक राजेंद्र पेरी, भाजपा नेत्री करमजीत कौर चौधरी, प्रिंस ग्रोवर जिमी कालिया, महेश मखीजा, किशन लाल खंडवाले, बिनी शर्मा, श्रीकंठ जज, हिमांशु शर्मा, चेतन हांडा, बिल्लू चड्डा सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय दर्शन लाल शर्मा को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर के अधीन आते गांव सादिक में एक ट्रक ने स्कूली छात्र को रौंदा, छात्र की मौके पर ही हुई मौत। जालंधर की पुरानी रेलवे रोड पर स्थित एक साइकिल स्टोर में लगी भीषण आग, लाखों रुपयों का सामान जलकर हुआ राख। मोगा में मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान ने आप उम्मीदवार करमजीत अनमोल के हक में निकाला रोड शो, लोगों से करमजीत अनमोल को वोट डालने की अपील। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।